हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में ऐड देखना किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है, मेरे को भी पसंद नहीं है। वीडियो चलाते ही ऐड शुरू हो जाता है। म्यूजिक देखता हूँ उसमें ऐड, मूवी देखता हूँ उसमें ऐड, मतलब परेशान करके रखा है। और अगर आप मेरा वीडियो चलाते हैं तो उसमें भी ऐड आ जाता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए एकदम प्रीमियम फ्री यूट्यूब लेके आया हूँ। एक भी ऐड शो नहीं होगा और आप पूरा उसका जो मजा है वो आप उठा सकते हैं। ये करने से मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, लेकिन क्या किया जा सकता है, आप लोगों के लिए करना पड़ता है। आप लोग आप वहाँ पर सब वीडियो देखोगे तो मेरे वीडियो में जो ऐड चलता है वो भी शो नहीं होगा, तो मेरा जो अर्निंग है वो भी कम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस चैनल के ऊपर लेके आता हूँ। और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरा जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं पूरा सेटिंग्स वगैरह सब कुछ करके दिखाऊंगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में और यहाँ पर सर्च करना है प्योर ट्यूबर। आप देख सकते हो ये जो ऐप है इसका रेटिंग भी ठीक ठाक है और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहा है। तो मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा है, इसको अभी ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नो एड्स, कोई भी ऐड शो नहीं होगा, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। उसके बाद ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो ये पूरा यूट्यूब ही है, एकदम यूट्यूब की तरह इंटरफेस है, सब कुछ यूट्यूब की तरह है। यहाँ पर आप देख सकते हो चैनल का नाम शो हो रहा है, सब्सक्राइब बटन सब कुछ है। और नीचे देखिए छोटा छोटा आइकन दिया गया है, जैसे ये ट्रेंडिंग के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो अभी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। वीडियो है, म्यूजिक है, मूवी है, सब कुछ ट्रेंडिंग यहाँ पर शो हो जाता है। सब्सक्रिप्शन, इसके ऊपर क्लिक करके आप जिस ईमेल आईडी से यूट्यूब पे लॉगिन किया है उस ईमेल आईडी से यहाँ पर भी लॉगिन हो सकते हो। यहाँ पर आपने जिस चैनल को सब्सक्राइब किया है वो सब कुछ यहाँ पर शो हो जाता है। लाइब्रेरी में जाके आपको फिर से साइन इन करना है, अगर आपने कुछ भी सेव करके रखा है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी एक मैं वीडियो प्ले कर लेता हूँ, जैसे मैं ये जो वीडियो है पहला वाला इसको प्ले किया, आप देख सकते हो इसका जो पिक्चर क्वालिटी है एकदम बढ़िया है, बढ़िया पिक्चर क्वालिटी है, HD क्वालिटी है, आप देख सकते हो। और इंटरफेस भी एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए कुछ सेटिंग देख लेते हैं। ऊपर राइट साइड में ये जो प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो थीम है, यहाँ से आप थीम को डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं और ब्लैक कर सकते हैं। और जो डिफ़ॉल्ट वीडियो क्वालिटी है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ से मैनुअली चेंज कर सकते हो, वो ही रह जाएगा आप जब भी वीडियो प्ले करोगे। 360p है, 480p है, जो भी आपको चाहिए चेंज कर सकते हो। और पॉपअप जो वीडियो क्वालिटी है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और ज़्यादा कुछ सेटिंग यहाँ पर आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए कैप्शन का एक सेटिंग है, इसके ऊपर क्लिक करके आप एक्सेसिबिलिटी इसको ऑन कर दीजिए। यहाँ से आप कैप्शन का जो साइज है स्मॉल कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, जो भी सबटाइटल है वीडियो में वो किस साइज में वीडियो के ऊपर शो हो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो वीडियो प्लेबैक, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बहुत ही काम का है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है मिनिमाइज वीडियो प्लेबैक ऐसा करके कुछ है। तो ये अगर सिलेक्ट रहेगा तो आप जब भी इसको प्ले करोगे तो बैकग्राउंड में ये प्ले होता रहेगा। जैसे मैं देखिए एक वीडियो के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, आप देख सकते हो वीडियो प्ले हो रहा है। यहाँ पे पीप मोड में प्ले हो रहा है, पिक्चर इन पिक्चर, इसके ऊपर क्लिक करके अगर मैं ये जूम आइकॉन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हो मैं काम भी कर सकता हूँ और यूट्यूब वीडियो भी देख सकता हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड में वीडियो प्ले नहीं करना है तो आप वापस से उस ऑप्शन में चले जाइए, ऑटो वीडियो प्ले बैक, उसके बाद पॉज स्विच ओवर अदर एप्स ऐसा करके कुछ जो लिखा है, ये जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कीजिए। अभी मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं वीडियो प्ले किया, वीडियो को मिनिमाइज करते हैं, आप देख सकते हो कोई भी वीडियो पिक्चर इन पिक्चर मोड में प्ले नहीं हो रहा है। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर डिसिलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं इसको मिनिमाइज ही रखता हूँ ताकि पिक्चर इन पिक्चर मोड में ये प्ले हो। यहाँ से आप बैक आ जाइए, उसके बाद कॉन्टेंट इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। यहाँ से आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, जो भी आपका लैंग्वेज है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और कंट्री को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन का सेटिंग है इसके ऊपर क्लिक करके आप क्विक सर्च बार इसको आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। अभी ये ऑन है तो ऊपर देखिए एक सर्च बार दिखा रहा है आपको, यहाँ पे आप इजीली कुछ भी सर्च कर सकते हो। इसके लिए आपको
प्योरट्यूबर या फिर यूट्यूब में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ही सर्च लगा सकते हो। अगर आप इस नोटिफिकेशन को ऑफ कर देते हैं तो ऊपर से ये जो बार है ये हट जाएगा, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये जो ऐप है ये मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा है, क्योंकि कोई भी ऐड शो नहीं होता और एकदम पिक्चर क्वालिटी बढ़िया है, और अपने हिसाब से मैं पिक्चर क्वालिटी को चूज़ कर सकता हूँ, और जितना भी सेटिंग है वो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। आशा करते हो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अगर लाइक कीजिए, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर